दोस्तों क्या हुआ जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सेना के बीच 1191 ईस्वी को एक भयानक युद्ध हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। वह अफगानिस्तान के गोर नामक जगह से आया था। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी सबसे ताकतवर राजपूत राजा थे। दोस्तों राजा पृथ्वीराज चौहान को पता चला था कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने वाला है, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने आसपास के सभी छोटे बड़े राज्यों से मदद मांगनी शुरू कर दी और करीब 300,000 की फौज इकट्ठी कर ली और तराइन के मैदान में आ गया। इसी बीच मोहम्मद गोरी को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान अपनी 300,000 की फौज लेकर तराइन के मैदान में आ गया है। इसी वक्त मोहम्मद गोरी ने भी करीब अपने 200,000 की फौज लेकर तराइन के मैदान में पहुंच गया और दोनों में भयानक युद्ध हुआ। इस जंग में पृथ्वीराज चौहान की फौज ने मोहम्मद गोरी की फौज पर बहुत खतरनाक हमला किया, जिससे मोहम्मद गोरी की फौज हारने लग गई। तभी पृथ्वीराज चौहान के बड़े भाई ने मोहम्मद गोरी पर हमला कर दिया और दोस्तों मोहम्मद गोरी बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। मोहम्मद गोरी को जख्मी देख मोहम्मद गोरी की फौज में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने सोचा कि हम इस जंग को हार चुके हैं। और दोस्तों मोहम्मद गोरी की सेना मैदान छोड़कर भागने लग गई। इसी बीच मोहम्मद गोरी को एक सिपाही ने मोहम्मद गोरी को किसी तरह जख्मी हालत में बचा लिया और मोहम्मद गोरी को अफगानिस्तान पहुंचा दिया। इस जंग को तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन दोस्तों 1191 के एक साल बाद यानी 1192 में कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल नहीं था। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान में पहुंचकर अपने बड़े भाई से मदद मांगने लग गया। उन्होंने और भी कई जगहों से सिपाहियों को इकट्ठा करके करीब 100,000 की फौज इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से तराइन के मैदान में बहुत बुरी तरह से हार गया था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए भारत पर हमला करने का फिर से सोचा। लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि मोहम्मद गोरी एक साल बाद ही अपनी सेना को लेकर उसके ऊपर हमला करने वाला है, फिर से उसने छोटे बड़े राज्यों से मदद मांगनी शुरू कर दी और उसने फिर से करीब 300,000 की फौज इकट्ठी कर ली। लेकिन एक राज्य ऐसा था जिसका राजा पृथ्वीराज चौहान से जलता था, उसने पृथ्वीराज चौहान को अपनी सेना देने से मना कर दिया। वे राजा और कोई नहीं बल्कि जयचंद था। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को सेना ना देकर बल्कि मोहम्मद गोरी को 20,000 की सेना दे दी। अब मोहम्मद गोरी के पास करीब 120,000 की फौज हो गई थी और दोनों का सामना एक बार फिर तराइन के मैदान में 1192 ईस्वी को हुआ। मोहम्मद गोरी ने अपनी 12,000 की फौज को जंग में नहीं उतारा था। दोनों की फौज में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की फौज एक बार फिर मोहम्मद गोरी की फौज पर भारी पड़ने लग गई। फिर मोहम्मद गोरी ने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, उसने पीछे हटने का सोचा। मोहम्मद गोरी की फौज पीछे हटने लग गई। मोहम्मद गोरी की सेना को पीछे हटते देख पृथ्वीराज चौहान की फौज को लगा कि मोहम्मद गोरी हार मान रहा है, इसलिए पृथ्वीराज चौहान की फौज एकदम से मोहम्मद गोरी की फौज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग गई। वैसे ही मोहम्मद गोरी ने अपनी 12,000 की फौज, जिसको उसने अभी तक मैदान में नहीं उतारा था, क्योंकि अभी 12,000 की फौज ने कोई जंग लड़ी ही नहीं थी, इसलिए अभी उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी। उस 12,000 की फौज ने पृथ्वीराज चौहान की 300,000 की फौज पर ऐसा हमला किया कि देखते ही देखते पूरी जंग का नक्शा ही बदल गया और मोहम्मद गोरी की 120,000 की फौज ने पृथ्वीराज चौहान के करीब 300,000 की फौज को मैदान जंग में हरा दिया। और इस ऐतिहासिक जीत से ही भारत में पहली बार मुसलमानों का राज आया था। पृथ्वीराज चौहान की मौत के ऊपर दो कहानियां हैं। पहली के मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के मैदान में ही मार दिया था, और दूसरी यह है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किसी राज्य का राजा बना दिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से बदला लेने के लिए उससे गद्दारी कर दी, फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया था। दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।